नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पराग टेलर चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल आपको ये चार्ट बनाकर दिखाया था, यहाँ पर बताया है कि आपका 3, 4, 5 इंच गला रहेगा तब आपको शोल्डर से कितना कम करना है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि आपको कितना कम करना चाहिए, ठीक है। और एक और आपको आज बताऊँगा मैं, जैसे कि 6 और 7 इंच गले पर कितना कम करना चाहिए, ये सारा मेथड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी के हिसाब से आपको बताया जाएगा। और दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे हमारी ये नई वाली कटिंग है ना, इसके अंदर ही ये मेथड काम करता है। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं, मैंने एक 15 इंच का लिया हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ, और मैं बता दूँ आपको, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो इसका मैंने जो वेरिएशन वाला जो वीडियो बनाया था ना, पहले वाला, उसके बाद में मैंने बताया था कि 10, 12, 13 इंच गले तक कितना कितना कम करना है, उसी के हिसाब से ये मैंने चार्ट बनाया था। सभी चीज़ आपको देखना है, तो सबसे पहले आपको पिछला वीडियो देख लेना है, जो दो वीडियो है। और आप चाहो तो प्लेलिस्ट डली हुई है हमारी सिलाई क्लास की, पूरी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आपको आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, दोनों जगह। कमेंट बॉक्स पर भी हम इसकी लिंक डाल देंगे। तो अभी मैंने क्या किया था आपको मालूम है, यहाँ पर 7.5 आएगा ये जो हाफ में, ठीक है। जैसे शोल्डर हमारा मान लेते हैं 15 इंच है, 15 का आधा होता है 7.50, ठीक है, आधा 15 का आधा, तो यहाँ पर कितना है ये हमारे पास 7.5। तो हमको यहाँ पर कितना कटिंग करना पड़ेगा, 0.75 कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 7.5 के बजाय 6.75 इंच, ठीक है। तो 6.75 बचेगा हमको, यहाँ पर सिर्फ 0.25 इंच कम करना है। तो देखिए कैसे कम करना है, जब आप 3, 4, 5 इंच गला बनाएंगे तो आपको यहाँ से ऐसे टेप को रखना है, यहाँ पर देखिए मैंने रखा है, और यहाँ से कम करना है। अभी मैं आपको बता दूँ, ये जो मैंने निशान लगाया है ये 15 इंच शोल्डर है। 15 इंच शोल्डर हमने कैसे लिया है आप देख लीजिए, और आज के बाद इसको फॉलो थोड़ा सा कर लीजिए। यहाँ रखेंगे हम ऐसे 7.5 इंच, और यहाँ पर देखिए यहाँ से टेप को हमको यहाँ रखना है, और यहाँ से टेप को ऐसे मोड़ देना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 7.5 इंच, ठीक है, क्योंकि इसी से तो हमारी फिटिंग आएगी बराबर। अभी हम ऐसे मेजर करेंगे इसको, तो ये हमारे पास आएगा 7.25 और 1 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट यहाँ पर कम हो जाता है ऐसे नापने पर। लेकिन हमारे पास जब उरेब है तो ये सीधा नहीं आता है, ये उरेब में ही रहता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर समझ गए आप। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पर 7.5 रखा है और 0.5 इंच की सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा दी है, आपको भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगी। अभी देख लिया आपने, यहाँ से 2.75 है, अभी यहाँ से हमने 0.75 कम करना है। और ये जो शोल्डर स्लोप है ना, जैसे 15 इंच हमारा शोल्डर है, इसका 10वां भाग आएगा हमारे पास, 10वां भाग आएगा तो 1.50, यानी हमने यहाँ पर देखिए 1.50 का शोल्डर स्लोप दिया हुआ है, और ये शोल्डर स्लोप आपको भी हमेशा देना है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये 0.25 इंच हमको कम करना है, किन गलों में, 3, 4, 5 में, ठीक है। तो 3, 4, 5 में आपको कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर एक मार्क लगाना है। अब जब हम बैक की कटिंग करते हैं ना हमेशा, तो आपको बताते हैं यहाँ पर ऐसे रखकर 0.5 इंच ऊपर अपने को एक मार्क लगा लेना है, जो भी शोल्डर स्लोप आएगा उसके बाद। और इसी प्रकार से हमको सारे बैक की कटिंग करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ऐसे। ये हो गया हमारा, अब हमारा कहाँ से कटिंग होगा, यहाँ से। अभी देखिए यहाँ से हमको कम करना है 0.25 इंच, क्योंकि ये फैलने के बाद जगह पर चले जाएगा। तो इसके कम करने के लिए आपको यहाँ से ऐसे लगाना है, 2 इंच पर एक मार्क लगा लेना है, इस मार्क को यहाँ मिलाना है ऐसे, और अब इस मार्क को हम कटिंग कर लेंगे। अभी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो डॉट रहेगा ना, हमको डॉट कम से कम यहाँ पर 1.25 इंच का देना है। तो जब हमारा वेरिएशन आएगा तब देखेंगे कि यहाँ पर डॉट कितना आ रहा है, उसके बाद डॉट को कम करके कमर कैसी कटिंग करेंगे, पूरा वीडियो देखना। अभी देखिए मैं यहाँ से कट मार रहा हूँ ऐसे। अब आपको क्या करना है,
ऐसे ग्लो ले लेना है, इसको ऐसे पलटाना है यहाँ पर, ठीक है। ये ग्लो मैंने लगा दिया इसके ऊपर। अभी आप देखिए यहाँ से, यहाँ पर से ऐसे सीधा निशान लगा लीजिए, और ये जो ग्लो हमने लगाया है ना, इसको हम ऐसे पलटाएंगे, ये देखिए यहाँ पर ऐसे, और आप देखिए ये बिल्कुल हमारा बराबर से आ गया है। अब यहाँ से हम बैक की कटिंग सीधी कर देंगे। अगर आपको हुक रखना है तो इस मार्जिन को रख लेना है, और हुक नहीं रखना है तो आपको इसे डायरेक्ट ऐसे कटिंग कर लेना है। ये देखिए मैंने इसको डायरेक्ट कटिंग कर लिया है। अभी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ आधा इंच का डॉट आया है ना, हमको यहाँ डॉट चाहिए सवा इंच का। एक इंच को बीच में रख लेते हैं, और यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास आधा इंच और एक पॉइंट, यहाँ पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से देखेंगे ये है आधा इंच और एक पॉइंट, यहाँ निशान लगाएंगे, और ये डॉट को हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास डॉट। जब बड़ा गला बनेगा तो डॉट ऑटोमेटिक आ जाएगा, छोटा गला मतलब जितना रिएक्शन कम होगा उतना यहाँ पर भी डॉट कम होते जाता है, और आपको कॉलर ब्लाउज बॉटनेक में डॉट तो अलग से ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी भी हम कटिंग बताएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करते जाना, ताकि अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे भी अच्छा लगेगा। अभी देखिए यहाँ पर, अब ये सिर्फ हमारे पास रिएक्शन कम हुआ, ठीक है। ये देखिए शोल्डर स्लोप भी हमारा ऐसे क्रॉस में दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल आता है, जैसे हमको शोल्डर की चौड़ाई कितनी रखना है। देखिए मैं यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई 3 रख लूँगा, आप यहाँ से शोल्डर की चौड़ाई 4 भी रख सकते हैं। जिनको चौड़ा शोल्डर पहनना है, गले से ज़्यादा दूर नहीं पहनना है, तो 4 रख लेंगे, ठीक है। और जिनको अपने को गला चौड़ा पहनना है तो यहाँ से 3 रखेंगे। अभी समझ में आ गया, मैं यहाँ से रखूँगा 3 इंच से। अभी देखेंगे यहाँ से अपन ऐसे मिलाएंगे, आधा इंच तो हम दबाव का छोड़ देंगे ऊपर, यहाँ रखेंगे ऐसे कर कर। 3 इंच गला कटिंग करना है तो यहाँ मार्क करेंगे, 4 करना है तो यहाँ मार्क करेंगे, 5 करना है गला तो यहाँ पर मार्क करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले 3 इंच गला की एक मार्किंग लगाता हूँ, ठीक है। ये देखिए 4 इंच पर एक मार्किंग लगाता हूँ, और यहाँ देखिए 5 इंच पर एक मार्किंग लगाता हूँ। अभी यहाँ से ऐसे सीधा भी रख सकते हैं आप चाहो तो ऐसे तिरछा भी रख सकते हैं, ताकि यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई ज़्यादा कम नहीं होगी। चलिए इसको थोड़ा सा तिरछा रख लीजिए, क्योंकि हम गला ऊपर से चौड़ा रख रहे हैं ना, इसके लिए। यहाँ पर देखेंगे हम 4.25 इंच है, ये 4.25 को यहाँ रखेंगे तो 1 इंच हमने लगभग कम कर दिया, मतलब नीचे 3.25 इंच है। फ्रेंच कर्व को लेंगे, जिसे ऊपर अगर हम गुलाई रख रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे पास से दे देंगे, थोड़ी नीचे हम गुलाई रख रहे हैं तो इस गुलाई को थोड़ी सी ऐसे बढ़ाकर रख लेंगे, ठीक है। और नीचे अगर दे रहे हैं तो इस गुलाई को थोड़ी सी और बढ़ाकर रख लेंगे, यानी इस प्रकार से। आप यहाँ पर चौकट गला कटिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पर कोई दूसरा डिजाइन का भी गला कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोई पान गला बनाना चाहेगा तो वो भी बन जाएगा, सभी चीज़ बन जाएगी। और इसी प्रकार से मेरा आज कंप्लीट होता है 3, 4, 5 के लिए गला। और आपको बताऊँ, मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना, उसको ज़रूर ध्यान से देखना, जिस पर मैं 10, 11, 12, 13 और 14, 15 तक गले की कटिंग बताने वाला हूँ। तो ये आप समझ गए यहाँ पर। अब हम इसको समझते हैं दूसरे वाले में, है ना। तो यहाँ पर देख लिया आपने, हमने 0.25 इंच कम कर लिया है यहाँ से। तो ये हमारे पास शोल्डर कितना आ रहा है, देखिए यहाँ से देखिए ऐसे रखकर, ऐसे तिरछा ही रख लीजिए लगे तो। यहाँ पर शोल्डर कितना आया है, 7 इंच में 1 पॉइंट कम, जबकि शोल्डर हमने कितना रखा था, 15 इंच, यानी हमारा 0.25 इंच यहाँ से शोल्डर कम हो गया। मार्जिंग आपको एक्स्ट्रा हमेशा रखना है, जो भी मैं कटिंग बताऊँगा मार्जिंग रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसको मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखता है। जैसे अगर कम शेप चाहिए तो ऐसा गला कटिंग कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अगर अपने को ज़्यादा शेप चाहिए तो हम ऐसे भी गला कटिंग कर सकते हैं ऐसे। अभी देखिए हम यहाँ पर समझेंगे 6 और 7 का मेथड, और उसको हम समझेंगे 13.5 इंच शोल्डर पर,
ठीक है, तो आप क्लियर समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे लेंगे, यहाँ से ऊपर रखेंगे, आधा इंच का एक मार्क लगा लेंगे, ये लगा लिया हमने। अब इसको हम यहाँ से कम कर देंगे, ठीक है, ये कम कर दिया हमने। अब आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे ये जो हमारा शोल्डर कम करने का चार्ट है ना, इस पर से जिसे हमने 3, 4, 5 कम किया था, तो 0.75 कम किया था आधा, और फुल में कितना कम किया था 1.50, ठीक है, यानी जिससे कि 15 इंच शोल्डर है तो उसमें से 1.5 इंच कम कर दिया, तो वह कितना आ गया हमारे पास 13.5 इंच। 13.5 का आधा हमने यहाँ पर रखा है नीचे, लेकिन कैसे कम किया है 0.25 इंच, जैसे 15 इंच शोल्डर है उसका 7.5 यहाँ आया, 0.75 कम किया तो 6.75 आ गया, यानी इसको डबल करेंगे तो 13.5। उसी प्रकार से आपको नीचे आ जाना है 6 और 7 गले पर, 6 और 7 गला जब आप बनाएंगे ना, तो आपको देखिए फुल जो रहेगा ना शोल्डर, जैसे अभी मेरे पास फुल शोल्डर कितना है 13.5 इंच, मैं यहाँ लिख लेता हूँ फुल शोल्डर 13.5 इंच, ठीक है, तो यहाँ से हमको सीधे 2 इंच कम कर देना है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 11.5 इंच, ठीक है, इसमें ये जो छोटा शोल्डर है ना हमारा 13.5 का, उसके अंदर है ना, ठीक है। और अगर हम इसी को ऐसे मान लेते हैं कि जैसे 13.5 शोल्डर है, तो मैंने 13.5 का आधा निकालता हूँ, तो ये निकलता है मेरा 6.75, ठीक है, तो यहाँ से मैं 1 इंच कम कर दूंगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा मेरा 0.6 इंच, ठीक है, 0.65 और 0.75, ठीक है। लेकिन अब हमको क्या कम करना है, आपको मालूम है ना, सिर्फ हमको कम करना है 2 इंच फुल शोल्डर में से और 1 इंच हाफ शोल्डर में से। तो देखिए मैंने दोनों जगह लिखा हुआ है, जो हमारा 6 और 7 का गला है 2 इंच फुल शोल्डर से और 1 इंच हाफ शोल्डर से। तो देखिए अब हम यहाँ चलते हैं, और जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ये थंबनेल दिख रहे हैं, उनको देख लेना है, उनको देखने के बाद आपको ये चीज़ की अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर जैसे हमको 1 इंच कम करना है, तो यहाँ रखेंगे ऐसे और 1 इंच का निशान हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर, यहाँ पर इस जगह से 2 इंच नीचे एक मार्क लगाएंगे, ये एक मार्क लगा हुआ है, यहाँ से देखिए यहाँ मिलाएंगे ऐसे, और इसको कटिंग करना है, ये देखिए यहाँ से मैं इसको कटिंग कर दूंगा इस जगह पर, और यहीं पर देखिए मैं आपको डॉट निकाल के दिखाता हूँ। अभी देखिए जैसे हमने वहाँ पर हमारा 0.25 इंच का डॉट आया था, यहाँ पर 0.5 इंच कम से कम डॉट हो जाएगा। अभी इस पर हम ग्लो लगाएंगे, ऐसे पलटाएंगे यहाँ पर, इसको हम देखेंगे, ये जो मार्क है ना, इससे हमको ये जो अंदर वाली मार्क है ना, ऐसे मिलाकर देख लेना है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ पर जहाँ मिल जाएगा वहाँ पर इसको रखकर अपन ऐसे पैक कर देंगे। ये पैक कर दिया, और देखिए बहुत आसान तरीका है, आप खुद बताना। यहाँ पर रखेंगे ऐसे, और इसको हम अब कटिंग कर लेंगे, ये मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया, आप यहाँ देखिए ये हो गया मेरा मार्क। अगर हमको पीछे हुक रखना है तो यहाँ मार्जिंग रख लेंगे, पीछे हुक नहीं रखना है तो यहाँ मार्जिंग नहीं रखेंगे, ठीक है। अब ऐसे करते हैं, ठीक है। अब जब हमने ऐसा कर लिया तो आपको देखना है अब कि शोल्डर की चौड़ाई कितनी रखना है। आप यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, अगर किसी को शोल्डर 2 इंच चौड़ा चाहिए, छोटा वाला मतलब, तो 3 रखेगा, अगर किसी को शोल्डर 1.5 इंच चौड़ा चाहिए तो वो 2.5 रख लेगा, मैं यहाँ पर 3 इंच रखूँगा। अभी देखिए 3 इंच के बाद हम यहाँ से देखिए 0.5 इंच ऊपर का छोड़ देंगे, जो कि सिलाई मार्जिंग रहेगी। अभी देखिए यहाँ से ये है मेरा 6 इंच गला, ठीक है, और ये है मेरा 7 इंच का गला, ये दोनों गले का हम यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे ऐसे ऐसे। अगर आप गले को ज़्यादा चौड़ा पहनना चाहते हैं तो जितना हमारा यहाँ है ना, जैसे 3 इंच 1 पॉइंट, तो यहाँ पर हम 3 इंच और 1 पॉइंट रख लेंगे। अगर यहाँ पर 3 इंच 1 पॉइंट है, हमको गले की चौड़ाई नीचे कम पहनना है, तो हम यहाँ पर 0.75 रख लेंगे,
ठीक है। तो देखिए पौने तीन रखकर हम देखते हैं, पहले यहाँ से लगाएंगे ऐसे और इस गले को हम गोल कर देंगे। आप चौकट भी गला कटिंग कर सकते हैं, मटका भी कर सकते हैं, जो आपको ड्राइंग करना है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अभी इसको कटिंग कर लेंगे। ये मैंने कटिंग कर लिया है। अभी आप देखिए इस गले को हमने कम चौड़ा रखा है, ये जब फैलेगा ना तो इसका रिएक्शन जो रहेगा ना बिल्कुल हमारा जहाँ पर 13.5 शोल्डर चाहिए वहाँ पर जाकर रुक जाएगा, ठीक है। और अगर अपने को गला ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो फिर निशान कैसे लगाना है, यहाँ रखेंगे ऐसे और यहाँ से सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कटिंग कर देता हूँ अब, और इसको देखते हैं कितना चौड़ा गला हमारा बन रहा है। ये हो गया। अब यहाँ देखेंगे हम, हमको चाहिए 1.25 इंच का डॉट, यहाँ रखेंगे ऐसे टेप को यहाँ पर, और 1.25 इंच डॉट का आ रहा है यहाँ पर, मतलब अब हमको यहाँ पर से सिर्फ 0.25 इंच निकालना पड़ रहा है बस, ठीक है। तो एक ये देख लिया आपने तरीका कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ब्लाउज आ जाता है, गला चौड़ा ही कम करना है तो यहाँ से अंदर तरफ से काट लेंगे, लेकिन फैल के अपनी जगह पर चले जाता है। और इसी के कारण हमारा ये जो चेस्ट है ना बिल्कुल फैलने के बाद जहाँ जाना है वहाँ जाएगा, और अगर हम इस तरफ से शोल्डर को कम करेंगे ना तो ये भाग हमारा कम नहीं होता है। तो दोस्तों आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब जैसे ये 13.5 इंच है तो यहाँ पर हम शोल्डर इसका जैसे 13.5 है तो चेस्ट इसका होगा बड़ी मुश्किल से 32 इंच, 32 है तो 32 की कमर आएगी 26, यहाँ रखेंगे ऐसे और इस भाग को यहाँ रख लेंगे और यहाँ से देखेंगे ऐसे। तो अगर 26 कमर है तो यहाँ से मार्क लगाएंगे, 27-28 है तो यहाँ से लगाएंगे, 30 है तो यहाँ से लगाएंगे। कमर अपने हिसाब से बन जाती है जितनी भी हम चाहेंगे, ठीक है, ऐसे कर कर। अभी देखिए ये बिल्कुल इसका कोई मेजरमेंट नहीं था यहाँ का, ना यहाँ का मेजरमेंट था, लेकिन मैं आपको बताऊँ जैसे आर्म होल आपको कितना रखना है, क्या रखना है। और कई लोगों की कमेंट आ रही है कि यहाँ से लंबाई कम हो रही है, लेकिन अभी जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना इसके अंदर इसकी लंबाई लगभग 0.5 इंच बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, वीडियो पूरे देखते जाना, आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ। दोस्तों आप जितने भी हमारे प्लेलिस्ट है ना नई वाली कटिंग की जिस पर 2023 लिखा है, उस कटिंग की सारी वीडियो देख लेना, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि कंटिन्यू वीडियो आएंगे, रोज़ एक वीडियो आ रहा है और इसका समय हमने रात को 9 बजे रखा हुआ है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन अवश्य दबाना ऑल के ऑप्शन के साथ, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप कि हमको जब गले की लंबाई 8, 9, 10, 11 चाहिए तो कितना आपको शोल्डर कम करना है, यहाँ लिखा हुआ है, लिखा होने के बाद कैसे कम करना है वो भी देखना है। दूसरा है 12, 13, 14 इंच, 14 इंच गले पर हमको कितना कम करना है, क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाना। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।